जहां राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बताएं, उत्तराखंड में कांग्रेस का एक विधायक क्रॉस वोटिंग हुई है कांग्रेस की तरफ से, ये बड़ी खबर आ रही है। द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में उत्तराखंड में कुल 51 वोट पड़े हैं, भाजपा की तरफ से कुल 46 वोट पड़े हैं। दो निर्दलीय, दो बसपा विधायकों का समर्थन मिला है। इसके अलावा यशवंत सिन्हा के पक्ष में कांग्रेस के कुल 15 वोट पड़े हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस के 19 विधायकों में से 17 विधायकों ने वोटिंग की और ऐसे में कांग्रेस का एक वोट इनवैलिड भी हुआ है। कांग्रेस का एक विधायक द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट किया है। तो देखिए, कांग्रेस खेमे से यह बड़ी खबर, द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में किसी एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग की है कांग्रेस खेमे से, यह बड़ी खबर आ रही है क्योंकि जो गणित है वो इसी तरफ इशारा करता है। उत्तराखंड कांग्रेस के 19 विधायकों में से 17 विधायकों ने ही वोटिंग की थी, जिसमें एक वोट तो इनवैलिड हुआ, लेकिन अब जो आंकड़े हैं वो इशारा करते हैं कि किसी एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग की है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।